हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तक हमने ये सीख लिया कि भाई पार्टनरशिप होती क्या है, एप्पल पेंशन अकाउंट कैसे बनता है, कौन कौन सी एंट्रीज होते हैं, ये सब हम सीख चुके हैं और हम बढ़ना चाहते हैं आगे। जब हम एप्पल पेंशन अकाउंट बना रहे हैं तो हम देखते हैं उसमें बहुत सारी चीजें आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बोर्ड में अलग से इनका भी कैलकुलेशन वो पूछ लेता है, और ना भी पूछे तो आपको जब क्वेश्चंस करने हैं तो उसमें आपको ये निकालने ही पड़ेंगे। तो हम एक एक करके इन चीजों को सीखेंगे, और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? सर, सिंपल सी बात है, जो पार्टनर पैसा लगा रहे हैं उस पर उनको इंटरेस्ट चाहिए, प्रॉफिट के अलावा एडिशनल में उनको उस पर इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट निकालना तो बहुत ही आसान है सर, 11 से हम सीख ही क्या रहे हैं और बचपन से सीख रहे हैं सर इंटरेस्ट निकालना, बिल्कुल सिंपल। देखिए, सिंपल कंडीशन में मैं आपको सिखाने वाला ही नहीं हूँ, सिंपल कंडीशन तो आप जानते ही हैं। जैसे कि एक पार्टनर है, उसने लगा रखे हैं 2 लाख रुपए, 2 लाख पर 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 लाख पर 10% निकाल दिया 20,000, सिंपल। ये तो कोई सिखाने वाली बात ही नहीं है, ये आप खुद ही कर लेंगे। बात करते हैं कुछ स्पेशल केस की जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़े से टेढ़े, और हम उसको करेंगे बिल्कुल सीधा। हम आज आराम से सीखेंगे कि उन टेढ़े क्वेश्चंस को सीधे तरह से कैसे करते हैं। ठीक है, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो दो बातें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं, बिल्कुल दिमाग में डाल लो। जब भी वीडियो देखो एकदम बिल्कुल यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करो, छोटी सी कॉन्सेप्ट में आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मल हम आराम से निकाल लेंगे सर। नॉर्मल कैसे निकालेंगे, मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा था, 2 लाख रुपए की कैपिटल है, 10% का इंटरेस्ट है, 2 मिनट में निकल जाएगा सर। ठीक है, मगर कुछ अड़के अगर हम बात करें तो इन दो बातों पे आप विशेष ध्यान दीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी निकाला जाएगा वो ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाएगा। अब सर, ये ओपनिंग कैपिटल क्या नाटक है भाई? आपकी कैपिटल दो तरह की होती है, एक आपकी साल की स्टार्टिंग में जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, और पूरे साल जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं को मिलाकर लास्ट में निकलती है क्लोजिंग कैपिटल। अब ये बताओ आपने पूरे साल में कौन सी कैपिटल यूज करी? ओपनिंग कैपिटल। भाई आज मेरी कैपिटल 10 लाख रुपए है और पूरे साल मेरी कैपिटल 10 लाख रुपए रही, जब साल के लास्ट में मेरे अकाउंट्स बने तब सारी चीजें उसमें डाली गई, सब ये आपको मिला है, ये आपसे लिया है, और लास्ट में मेरी कौन सी कैपिटल निकल के आई? क्लोजिंग कैपिटल। तो आपने साल भर कौन सी कैपिटल यूज करी है? सर, डेफिनेटली ओपनिंग कैपिटल यूज करी है। इसका मतलब हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल पे। तो ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो कि जब भी हम इंटरेस्ट निकालेंगे कैपिटल पे, वो हमेशा हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होगा। दिमाग में, कॉपी में, जहां भी चाहे इसको जरूर नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात समझ रहे हो? ठीक। और दूसरी बात, जब भी कोई पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगाएगा या ड्रॉइंग करेगा आउट ऑफ कैपिटल, मैंने आपको बताया भी था और अभी बताऊंगा भी कि हमारी ड्रॉइंग दो तरह की होती है, एक तो हम प्रॉफिट में से पैसा निकाल के ले जाते हैं, वो पैसा हमें वापस करना पड़ता है, और एक हम अपनी कैपिटल से अपने हक से पैसे लेके जाते हैं। आज मैंने 10 लाख रुपए लगा रखे, मैंने कहा भाई मेरे 2 लाख रुपए मैं लेके जा रहा हूं मैं। ठीक, तो अगर कभी भी कोई पार्टनर कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाता है या पैसा निकालता है कैपिटल में से, तो इसको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालते समय हम ध्यान रखेंगे। तो आप लोग इन दोनों बातों को ध्यान रखोगे, समझ गए? पहली बात, कैपिटल जब भी निकाली जाएगी कौन सी पे निकाली जाएगी सर? ओपनिंग पे। और दूसरा, जब भी कोई पार्टनर पैसा लगाएगा या पैसा निकालेगा अपनी कैपिटल में से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालते समय हमें ये दिमाग में रखना है। अब सर, ये बात तो आपने बता दी है, अब इतने तो हम होशियार है नहीं सर इस बात को बिना एग्जांपल के समझ लें, तो प्रभु एक क्वेश्चन करा दो फटाफट से। चलो हम एक दो क्वेश्चन करते हैं और इन दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना हार्ड टॉपिक नहीं है जिसको हम बहुत पहाड़ बना दें। छोटी सी बात है, छोटी सी बात में खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये है क्या। ठीक है, चलिए खोलते हैं बुक अपनी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास टीएस गिरेवाल है, एडिशन है 2020 का, इसमें मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप अपना पेज नंबर निकालेंगे 2.84, उसमें क्वेश्चन नंबर 30 है। जिसके पास बुक है वो बुक में देख ले, वरना स्क्रीन पे फोटो आ रही है, आप उसका स्क्रीन शॉट ले लो, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से। ठीक है, चले। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि भाई अमित और भ्रमित, क्या क्या नाम है, अमित और भ्रमित दो पार्टनर्स हैं और इनकी कैपिटल बता रखी है 1 अप्रैल को। देखो बहुत दिमाग में बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, 1 अप्रैल को कैपिटल दे रखी है, तो कोई टेंशन नहीं है, उसको आने दो भैया, बिकॉज 1 अप्रैल की कैपिटल का मतलब है ओपनिंग कैपिटल, इसकी इज्जत करो, इसी पे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 अप्रैल यानी ओपनिंग डे। ठीक,
तो 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल दे रखी है 15 लाख रुपए और 9 लाख रुपए, बहुत अच्छी बात है। और 1 अक्टूबर 2019 को ये दोनों डिसाइड करते हैं देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। अमित द्रविड़ कहते हैं भैया देखो अब कैपिटल को ना 12 लाख रुपए कर लेते हैं, तो दोनों की कैपिटल 1 अक्टूबर को 12 कितनी, हाँ 12 लाख हो गई है। आपसे कह रहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखा दो, अगर हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम। चलिए जी बहुत सिंपल सी बात है, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर एडिशनल कैपिटल है या ड्रॉइंग है आउट ऑफ कैपिटल तो उसको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन में भी यही है। चलो पहले हम बात करते हैं किसकी, पहले बात करते हैं अमित की। अगर मैं अमित की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो अमित ने जी पैसे लगा रखे हैं कितने, 15 लाख रुपए लगा रखे हैं 1 तारीख को, और 1 अक्टूबर को इसको करने हैं 15 के 12 लाख, यानी ये 3 लाख रुपए निकाल के ले जा रहा है। सिंपल सी बात है, समझ आ रही है। अब ये बताओ उसने 15 लाख रुपए जो लगा रखे हैं ये इसने कब तक यूज करे हैं, सर 1 अक्टूबर तक, बिकॉज 1 अक्टूबर के बाद तो उसका कैपिटल चेंज हो रहा है। तो सर 1 अप्रैल से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर में अक्टूबर तो गिनेंगे नहीं सर, तो 6 महीने तक इसने कितने पैसे लगा रखे हैं, 15 लाख रुपए। तो आप बोलते हो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने कहा 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक इसने 15 लाख रुपए लगा रखे हैं, क्लियर। और उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक फिर इसने 12 लाख रुपए लगा लिए। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि ये 1 अक्टूबर से अपनी कैपिटल 12 लाख चाहते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको दे रखा है सर 8%, यहां भी कितना सर 8%। अब ये बात तो हम 11 से जानते हैं कि भैया जब आप डेप्रिसिएशन भी कर देते हैं कि भाई जितने महीने मशीन को यूज किया है उतने महीने की डेप, सेम जितने महीने हमने अपनी कैपिटल यूज करी उतने महीने की। अब इसने 15 लाख रुपए कब तक लगाया सर, 6 महीने तक, तो इसको हमने कहा 6 मंथ का। सेम सर इसने कितना पैसे लगाया था, इसने भी 6 महीने लगाया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई जितने महीने जितनी कैपिटल यूज करी है उतना ही इंटरेस्ट निकालेंगे, बहुत हार्ड बात नहीं है। हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हमको लगता है हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं 6 महीने 6 महीने, अगर नॉर्मली बात देखा जाए ना तो ये नॉर्मल सी बात है कि एक आदमी ने 15 लाख रुपए लगा रखे हैं, उसके बाद 1 अक्टूबर को 12 लाख कर रहा है उसके, यानी उसने 6 महीने 15 लाख लगाए 6 महीने 12 लाख लगाए, निकाल दो इसका इंटरेस्ट, ठीक है। वहीं पर दूसरा है, आप ट्राई करना चाहो तो घर पे करना चाहो मैं सिखा देता हूं। दूसरा हमारा भ्रमित है, अब भ्रमित की बात करें, भ्रमित का क्या है सर, अब भ्रमित का इंटरेस्ट कैपिटल निकालते हैं तो इसने कितना पैसा लगा रखा था सर, इसने लगा लगे थे 9 लाख रुपए। तो आपने कहा सर इसने 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक लगा रखे थे कितने, 9 लाख। उसके बाद सर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक इसने भी अपनी कैपिटल को 12 लाख कर दिया। अब देखिए कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 8%, ठीक है। अब वही वाली बात, इसने 9 लाख रुपए कब तक यूज किया सर, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने के लिए, इस पे 6 महीने की इंटरेस्ट और इस पे भी 6 महीने की इंटरेस्ट, इसको निकाल के जो भी आए उसको जोड़ लीजिए, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। क्या सॉल्व करने के लिए सॉल्व किया, चेक करें क्या यही आ रहा है आप सबका, देखिए 60,000 और 48 यानी 48,000, तो इसकी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी, 1,08,000, आपने भी यही सॉल्व किया। और दूसरा सर 36 और 48 यानी 84,000 इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपली आई। तो बच्चों क्या करना है आपको, जब भी पेपर में क्वेश्चन आए और वो पैसा निकाल रहा है या पैसा डाल रहा है तो आपको सिंपल सी ये बात देखनी है कि उसने कितना पैसा कितने महीने यूज किया। उसने सपोज करो जुलाई में पैसा डाला तो उसने कहा सर 3 महीने हमने इतना यूज किया, उसके बाद 9 महीने अपना इतना यूज किया, उसका सिंपल सा इंटरेस्ट निकाल दिया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देख लो उसको ध्यान से। चलिए अब समझते हैं हम कॉन्सेप्ट को ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल वाले। बट अगर आपको वीडियो समझ आ रही है बहुत अच्छी बात है, प्लीज इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे भी हौसला मिले कि आपके में आगे कोई प्रॉब्लम है
तो सॉल्व कराता रहा हूँ। कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ भी लग रहा है सर वीडियो में हमें ये चीज पसंद नहीं आ रही या ये चीज पसंद आ रही है, उसे कमेंट में जरूर लिखें और क्वेरी को पूछें। बिल्कुल मैं हूँ इसलिए आपके सामने, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि हम कैपिटल निकालते हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं सर ओपनिंग कैपिटल पे, क्यों निकालते हैं ये भी बता दिया। और क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने के लिए 2 मिनट में आपको लेके चलता हूँ बैलेंस शीट में, वही बैलेंस शीट जो भी आप 11th में बना के आ रहे हो, ठीक है। चलते हैं 11th में थोड़ी देर के लिए मेरे साथ, चले ठीक है। ये बैलेंस शीट है सर, बहुत कुछ था बैलेंस शीट में लेकिन हमने केवल लिया है उस कैपिटल वाले पार्ट को। याद है आपको जब बैलेंस शीट हम लोग बनाते थे तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे, कैपिटल लिखते थे। कैपिटल में हम क्या जोड़ते हैं, नेट प्रॉफिट जोड़ते थे जो हमें मिलता था, कब इतनी मेहनत करने के बाद जाके कभी कभी हमारा सही प्रॉफिट आता था ना, नेट प्रॉफिट जोड़ते थे और कोई भी ड्रॉइंग थी उसे लेस करते थे तो हमें निकल के आता था एक अमाउंट। अब बताइए कौन सा अमाउंट था, ये जो हमारे महाशय थे ना ये हमारी थी ओपनिंग कैपिटल और जो निकल के आता था ये था क्लोजिंग कैपिटल। तो बात समझ आई भैया, तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल थी, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल थी। अगर ये महाशय आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो भाई ओपनिंग कैसे निकालेंगे सर, उल्टा कर देंगे। कैसे सर, ओपनिंग से क्लोजिंग तक कैसे पहुंचे हैं, इसमें नेट प्रॉफिट को जोड़ा गया, ड्रॉइंग को माइनस किया गया, तब हमें ये मौदे आके मिले हैं। अब अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो सर हम उल्टा कर देंगे, यानी ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, अगर क्वेश्चन में दे रखी है यहां पर ड्रॉइंग माइनस थी तो प्लस ड्रॉइंग, और सर प्रॉफिट प्लस था तो माइनस नेट प्रॉफिट, तो निकल के आएगा ओपनिंग कैपिटल। सर एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि हमें कैसे पता चले कि वो क्लोजिंग कैपिटल होगा, भाई देखो इसके सिंपल से 2 तरीके हैं। एक तो साक्षात आपको डेट गिवन होगी कि 31 मार्च को या 31 दिसंबर को अगर हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं दिसंबर में तो आप समझ जाना भैया क्लोजिंग डेट है तो भैया ये क्लोजिंग होगा। और दूसरी बात आपको बोला होगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सब कुछ करने के बाद जो आपका कैपिटल है भाई वो क्लोजिंग होगा, ठीक। तो क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, क्लोजिंग से ओपनिंग जाने के लिए सर उल्टा करेंगे, ड्रॉइंग को प्लस और नेट प्रॉफिट को माइनस, ठीक है। तो चलो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट दिमाग में क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे क्वेश्चन का आने से केवल कुछ नहीं होगा, आप प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन अपनी बुक्स में या जो भी आपके पास सोर्स है वहां से जरूर करिए, कोई क्वेरी है उसको पीछे पूछते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से क्वेश्चन कर चलिए, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, बस मैंने नाम बदल दिया ए और बी करके है। हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च को, कोई भी ईयर मान लेते हैं, ठीक है। 31 मार्च को हमारे सामने एक बैलेंस शीट है, उसमें 2 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है 1,20,000, 1,40,000। अगेन राइटिंग थोड़ी खतरनाक है, धीरे धीरे अगर आप चैनल पर कंटिन्यू रहोगे तो आप धीरे धीरे समझने लगोगे, मुझे भी बहुत सालों बाद अपनी राइटिंग समझ आई है ना। और हमें जनरल रिजर्व दे रखा है 1,00,000 रुपए का, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत है, कुछ और भी दे रखा वो हमारे काम का फिलहाल है नहीं। नीचे बता रखा ए ने ड्रॉइंग करी है 40, बी ने ड्रॉइंग करी है 50 और प्रॉफिट जो हुआ है पूरे साल में वो है 1,50,000 रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा हमको 8% पर एनम। और दिमाग में सवाल आता है सर ये सब फालतू की बातें क्यों बता रहे हो आप, सिंपल सी बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, कैपिटल सामने है निकाल दो, अभी ड्रॉइंग ये सब चीजें क्यों दे रखी है आपको। देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि हम जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं वो कौन सी कैपिटल निकालते हैं, ओपनिंग पे। और आपको जो बैलेंस शीट दे रखी है वो कब की दे रखी है, 31 मार्च। 31 मार्च का मतलब साल के एंड में। अब साल के एंड में अगर कोई बैलेंस शीट है तो उसके अंदर जो कैपिटल है वो भी एंड का ही होगा, और एंड कैपिटल का मतलब क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल, यानी ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। तो अब हमारा पूरा पूरा कर्तव्य है इस क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग में बदलना, वरना हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। हम तो समझेंगे अपने आप को ही दो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के आए, लेकिन बोर्ड में ऐसे करके क्रॉस लगेगा, नंबर होगा 0। क्यों? क्योंकि हमने एक छोटी सी बात ध्यान नहीं दी कि हमारी कैपिटल क्लोजिंग है और क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं निकलता, ठीक है। यानी हमें इसको बदलना पड़ेगा ओपनिंग में। कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, प्रॉफिट को कर दो माइनस और ड्रॉइंग को कर दो प्लस। तो देखते हैं फटाफट से, आपने कहा 2 पार्टनर है सर ए और बी, अब बात करें तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है सर, 1,20,000 और सर बी की दे रखी है 1,40,000, ठीक है सर दे रखी है।
अब आपको कह रखा है सर ड्रॉइंग है, तो सर ड्रॉइंग को तुरंत जोड़ दीजिए। कितनी कितनी ड्रॉइंग है? 40,000 और सर दूसरी ड्रॉइंग है 50,000, यानी कि हमारा टोटल हो गया 1,60,000 और 1,90,000। हमने ड्रॉइंग को प्लस कर दिया। अब क्या करना है? सर कुछ नहीं, प्रॉफिट को लेस करना है। आपने कहा माइनस प्रॉफिट। अब बच्चे बोलते सर आप रुक जाओ, हम करके दिखाते हैं। सर प्रॉफिट हुआ है हमें 1,50,000 रुपए का, कोई रेशियो है नहीं, बराबर है। सर 75,000 रुपए माइनस करो, बात खत्म। लेकिन नहीं, एक बात आपको ध्यान देनी है, हमें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है 1,00,000 रुपए का, और आपने 11th में भी पढ़ा था कि जो रिजर्व्स बनते हैं वो प्रॉफिट में से बनते हैं, यानी हमारा प्रॉफिट हुआ 1,50,000 रुपए है और उसमें से 1,00,000 हमने फ्यूचर के लिए अलग से रख लिया है इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व। तो यानी 1,50,000 में से 1,00,000 तो हमने रख लिया, तो फिर बाटा कितना होगा? सर बाटा केवल 50,000, तो हमारा प्रॉफिट केवल 50,000 ही बटा है। सर हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा, प्लीज फिर सुन लीजिए, प्रॉफिट 1,50,000 है लेकिन 1,50,000 इनको मिला ही नहीं है, इन बेचारों को कितना मिला? सर 1,00,000 तो हमने रिजर्व में रख लिया, तो हमें मिले केवल 50, तो इनको हमने 50,000 बांटे हैं, तो वो 50,000 इनसे माइनस कर दीजिए ओपनिंग कैपिटल निकालते समय। चलिए अब रेशियो हमें गिवन नहीं है, तो 50 को हम इक्वल माने तो 25-25 हो गया। तो सर हम 25,000 रुपए और 25,000 रुपए लेस कर देंगे सर, तो हमारा क्या निकल के आएगा? ओपनिंग कैपिटल सर 160 में 20 गया 140, यानी 1,35,000 और सर 190 में 20 गया 170 और 1,65,000, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है जिस पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। आप खुद निकाल लेना, मैं घंटे दे देता हूं। एक ही इंटरेस्ट कितनी निकलेगी? सर 1,35,000 रुपए इंटू जितना इनका रेट ऑफ कैपिटल है, कितना है? 8%, तो सिंपल सर 8/100 और सेम बी का 1,65,000 इंटू 8/100। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, बोर्ड में आता है और बोर्ड में सभी आता है, हर चीज ध्यान से देखनी है और जो अलग से कॉन्सेप्ट है उनको ध्यान से देखेंगे, ठीक है? अभी सॉल्व कर लेना, मैं इतना नहीं कर रहा, ठीक है? तो क्लियर है कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? ओपनिंग कैपिटल वाला, ठीक। चलिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वो पूछ सकता है। तो ध्यान से देखिए, दो तीन केसेस हैं, ज्यादा नहीं है। एक तो सिंपल है, मैंने पहले बताया 10,00,000, 10,00,000 का 10%, 20,00,000, 20,00,000 का 10%। एक कौन सा है? एक हमने पढ़ा अभी, कौन सा वाला? ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल वाला, और एक पढ़ा एडिशनल कैपिटल वाला। एक कॉन्सेप्ट और है, उसको हम ध्यान से देख ले और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल खत्म, ठीक है? देखे चलिए एक और केस समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। आपको याद हो मैंने जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको पढ़ाया, तो मैंने एप्रोप्रिएशन का मतलब आपको चीख चीख के बताया कि भैया जेब में पैसा होगा तभी देंगे वरना नहीं देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या है सर? एप्रोप्रिएशन है, जेब में है तो देंगे वरना नहीं देंगे। तो एग्जाम्पल देख रहे हैं, हमारे पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें क्वेश्चन में एक शॉर्ट ले लिया, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा रहा, लेकिन हाँ जितनी जरूरी चीजें मैंने बता दी आपको कि हमारा प्रॉफिट है 60,000 रुपए का, ठीक है? 60,000 भाई जेब में है, और हमारे दो पार्टनर है ए और बी, और उनकी कैपिटल है 8,00,000 रुपए और 4,00,000 रुपए इनकी कैपिटल दे रखी है। और क्वेश्चन में गिवन है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है? 6%। आपने कहा सर यूं कर लेंगे आराम से, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन निकालू तो इनकी इंटरेस्ट निकल रही है 48,000 और एक की निकल रही है 24,000, और अगर इनको जोड़ू तो कितने हो गए? सर बहुत सिंपल है सर, 0,0,0,4,8 and 4 सर 12 carry 1 5 2 7, हमारे 72,000 रुपीज हो रहे हैं सर, ठीक है? लेकिन हमारी जेब में पैसा कितना है सर? हमारी जेब में तो केवल 60,000 रुपए हैं। अब कैसे दिया जाए? बिकॉज जितनी जेब में है उससे तो हम दे ही सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देंगे, हम लिखेंगे 2 interest on capital, दोनों को मिलेगा, ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा। कितना मिलेगा सर? उतना मिलेगा जितना हमारी जेब में होगा। हमारी जेब में कितना पैसे है? 60,000 रुपए। तुम कहेंगे प्रभु हमारी जेब में केवल 60,000 है, तो हम आपको 60,000 से ज्यादा दे ही नहीं सकते, बिकॉज हम एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, जेब में जो पैसा वही तो देंगे आपको। तो अभी 60,000 ही इनको बढ़ेगा, किस रेशियो में बढ़ेगा?
बहुत से सारे आंसर आते हैं, सर बराबर बांट दो, सर प्रॉफिट शेयरिंग से रेशियो में बांट दो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात मेरी बहुत ध्यान से रिवाइंड कर करके देखना, किस रेशियो में बटेगा सर, जिस रेशियो में इनको इंटरेस्ट मिल रहा है ये उस रेशियो में बटेगा, बिकॉज जिस रेशियो में इनको मिल रहा था ये कहेंगे भैया जितना भी है हमें उसी रेशियो में दे दो, हमें ना बराबर चाहिए, ना हमें अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चाहिए, और ना ही हमें अपने कैपिटल के हिसाब से। तो फिर कितना हो रहा है सर, सर उसको हम ध्यान से देखें तो उसको अगर लोएस्ट कर दें तो देखो 3 0 3 0 गया, 24 बन जाए 24, 2 0 48, तो ये आया 2:1, तो हम 2:1 में इस पैसे को दे देंगे, यानी एक को कितना मिलेगा सर 60,000 का आपको 2/3 और 60,000 का 1/3, तो कितना कितना मिल गया इनको, इसको मिल गया 40 और इसको मिल गया 20। ये कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो 40 और 20,000 रुपए इनको दे देंगे, भैया जितना जेब में है उतना मिलेगा, 60,000 मिल गया, हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये बात भी देख लें, लेकिन कभी कभी इसी में केस आ जाता है, सेम क्वेश्चन है वो केस आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, और चार्ज अगेंस्ट का मतलब क्या आता है भैया, राजी राजी गैर राजी तुम्हें देना ही है। अगर सेम क्वेश्चन है और कुछ नहीं कह रखा तो हम ये करेंगे, और क्वेश्चन में कह रखा है कि क्वेश्चन अप्रोप्रिएशन का है तो भी ये करेंगे, मगर अगर क्वेश्चन में कह रखा है चार्ज अगेंस्ट, CHARGE, चलो स्पेलिंग तो मुझे आती है, चार्ज अगेंस्ट, और क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट है तो आपको राजी राजी गैर राजी देना ही पड़ेगा। उस केस में क्या करेंगे हम लोग सर, उस केस में हम इनको पूरा इंटरेस्ट देंगे, इट मीन्स इतना देंगे सर, इससे कह पड़े 8 लाख का पूरा 48,000 इसको देंगे सर, और 24,000 इसको देंगे, कुल 72,000 हमारा चला गया। अब इस केस में क्या होगा हमें सर, हमें तो लॉस हो गया, हो गया तो हो गया भैया, हमें तो देना ही है, तो हमें हुक्म है, चार्ज अगेंस्ट है, तो जो लॉस हुआ है 12,000 रुपए का, वो लॉस हम इनके कैपिटल अकाउंट में बाय लॉस ट्रांसफर टू ए और बी के कैपिटल अकाउंट में दे देंगे। अब क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं है तो इक्वल मान लेते हैं, 6,000 का लॉस दे देंगे। इन दोनों ही बातों को बहुत ध्यान से समझिए, क्लियर है। तो ये हमारी A to Z सब कुछ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन जैसा भी हो कोई टेंशन नहीं होगी। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे करते हैं, सब बातें हम देखने वाले हैं। और प्लीज मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक नहीं किया तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है तो। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए कि सर ये चीज और सही कर लो, हमें कुछ मजा नहीं आ रहा, या सर ये अच्छा लग रहा है इसे और इम्प्रूव कर लो, ठीक है। तो प्लीज लाइक कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।